भारत सदियों से हिंदू राष्ट्र ही रहा है और विभाजन के पहले भी वो हिंदू राष्ट्र ही था, लेकिन यहाँ पर जब मुगल आक्रांता 800 साल राज करके गए, उसके बाद 200 साल अंग्रेज राज करके गए, तो उन्होंने हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को इतना बदल दिया, तोड़ मरोड़ दिया कि हम लोगों का ये एहसास ही नहीं रह गया कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, जबकि भारत भूमि, पावन भूमि, ये सदियों से हिंदू राष्ट्र रहा है, वेद का, धर्म का पावन भूमि रहा है, यज्ञ का, हवन का, इसका जो है कार्यक्रम यहाँ पर हमेशा होता रहता था। तो ये कहीं जो है कहने की ज़रूरत ही नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये तो सदियों से हिंदू राष्ट्र रहा है। हाँ, जो विकृताएँ थोड़ी मानसिकता में हमारी भरी गई 800-1000 सालों में, उसको जो है धोने की ज़रूरत है। और हाल फिलहाल में ऐसी सरकार आई है कि वो मानसिकता लोगों में जागृत कर रही है कि हाँ, उठो हिंदू, हम हिंदू राष्ट्र हैं, हमको हिंदू बन के रहना है। और हिंदू बनने का मतलब ये नहीं कि हम जो है किसी के खिलाफ हैं। यहाँ पर जो भाई रह गए हैं अन्य धर्मों के, हम उनको भी साथ लेके चलने का, जो हमारा हिंदू धर्म उनको भी साथ लेके चलने का मादा रखता है, लेकिन उनको भी ये समझना पड़ेगा कि हिंदू धर्म का पालन करके, हिंदुत्व का पालन करके उनको भी यहाँ रहना होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू।